हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ यू? होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। एक बार जरा सभी लोग आ जाइए, ठीक है? और सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए ताकि आज की क्लास को बढ़ाया जा सके। तो बार जरा जल्दी से बता दो, आवाज वगैरह क्लियर आ रही है? चलिए, तो भाई आज है जून का आखिरी दिन, ठीक है? और आप में से जो भी लोग, ठीक है, आपका टीचर अड्डा के किसी भी बैच से जुड़ना चाहता है, चाहे बीपीएससी, चाहे ईएमआरएस, चाहे DSSSB, वो आपका कूपन कोड यूज करता है Y794, ठीक है? इसके लिए आप गूगल पे जाइए, अड्डा 24/7 सर्च करिए, टीचिंग एग्जाम को सर्च करिए, ठीक है? और वहां पे आप किसी भी जुड़ते हैं किससे, बेस्ट से, तो आप कूपन कोड यूज करिए बाय करते टाइम Y794, आपको मिलेगा 77% का फ्लैट डिस्काउंट और 2 साल की वैलिडिटी। और ये जो ऑफर है महापैक और लाइव क्लासेस वाली क्लासेस के दिया गया, तो स्टार्ट करते हैं। और कल आपकी भाई ईवीएस की सुबह 10 बजे से 4 घंटे लगातार मैराथन चालू होने वाली है, ठीक है? अगर आप बिहार से भी बिलोंग करते हैं तो भी आप ले सकते हैं, आप लोगों ने सीटेट दिया हुआ है, नो डाउट, ठीक है? बट अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप भी ये मैराथन ले सकते हैं, आपको भी फायदा होगा। और पेपर टू जो मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सीटेट की, उसकी रहेगी शाम को 3 बजे से। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो है, भारत के कौन से आर्द्र भूमि मोंट्रॉक्स रिकॉर्ड के तहत पंजीकृत है? चिल्का झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, अष्टमुड़ी और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, लोकटक झील और चिल्का झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील। तो मोंट्रॉक्स रिकॉर्ड, जो कि आपका बेसिकली एक रिकॉर्ड होता है, एक रजिस्टर होता है, जिसमें आपका रखी जाती है। क्या सर बीपीएससी का बैच लेना है? प्लीज प्रिंस क्वेश्चन अभी बता दूंगा कैसे लिया जाएगा, ठीक है? जब तक क्लास को सॉल्व करो, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करो कि कैसे आपका क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। सर प्लीज 11 AM लीजिएगा बेटा, कल मेरे को 10 बजे दिया गया, 10 दिया गया टाइम। चलिए, तो देखिए, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मोंट्रॉक्स रिकॉर्ड क्या है। मोंट्रॉक्स रिकॉर्ड एक तरह का रजिस्टर है जिसमें आपकी विश्व की 48 रामसर साइट को रखा गया। तो विश्व की 48 रामसर साइट को रखा गया, इसमें से विश्व की 48 रामसर साइट में से दो भारत की कौन कौन सी है? लोकटक झील और आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है? तो देखते हैं कौन सा है, चिल्का झील, केवलादेव, अष्टमुड़ी, केवलादेव, लोकटक झील, चिल्का झील। आंसर इज डी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और आपका लोकटक झील। तो डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ग्रीन हाउस गैसें हैं जिनके कारण पिछली शताब्दी में वैश्विक तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई, ठीक है? रेफ्रिजरेटर में उपयोग होने वाले सीएफसी का नाम बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया या फ्रियोन। क्या आज काजल मैम की क्लास नहीं होगी? काजल मैम, फरानाज भावी शिक्षिका ईरान में, वेरी गुड। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता, बहुत बढ़िया, शाबाश। बताए कौन सी गैस है जो कि आपकी रेफ्रिजरेटर में यूज होती है? वेरी गुड, फ्रियोन यूज होती है। बट फ्रियोन कहीं से उस सारी होती है? फ्रियोन 8 भी होती है, फ्रियोन 9 भी होती है, फ्रियोन 11 भी होती है, फ्रियोन 12 भी होती है, फ्रियोन 14 भी होती है। इन सभी में से कौन सी फ्रियोन रेफ्रिजरेटर में यूज करी जाती है? इन सभी में से कौन सी फ्रियोन रेफ्रिजरेटर में यूज करी जाती है? फ्रियोन सारी, ये सारी की सारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन परिवार की सदस्य है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक कार्बन कंपाउंड है। हाँ, कौन सा फ्रियोन? फ्रियोन तो बहुत सारे होते हैं, कौन सा फ्रियोन रेफ्रिजरेटर में, इनमें से ए बी सी डी ई में से कौन सा प्रियोन यूज किया जाता है? चलिए, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, ठीक है, प्रियोन 12 यूज किया जाता है, ठीक है? चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सहलाभ के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है, ठीक है? हरित ईंधन के विकास के लिए, ओजोन उत्सर्जन में कमी के लिए, वायु प्रदूषण में कमी के लिए, या खतरनाक अपशिष्ट आंदोलन के लिए? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाँ गुड इवनिंग, ले लिया बेटा। सॉरी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज से संबंध रखता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका कब हुआ था? 16 सितंबर 1987। इतनी बड़ी मैंने हिंट दे दी, ठीक है? तो इतनी बड़ी हिंट दे दी। हाँ बेटा दमाद जी, गुड इवनिंग, ले लिया तुम्हारा। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। ओजोन उत्सर्जन में कमी से आपका संबंध रखता है क्या? दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट थिंग इज, सार्वभौमिक अनुसमर्थन प्राप्त करने वाला संयुक्त राष्ट्र की पहली संधि कौन सी थी? मतलब संयुक्त राष्ट्र ने एक संधि पारित करी थी जिसको सभी देशों ने माना, तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सली रेटिफाइड, ठीक है? तो वो संधि का नाम बताइए जो आपका सार्वभौमिक अनुसमर्थन प्राप्त किया था। बॉन कन्वेंशन, ठीक है, इस कन्वेंशन को हम CMS भी बोलते हैं, ठीक है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल या पेरिस कन्वेंशन? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी, सार्वभौमिक समर्थन प्राप्त करने वाला, ठीक है, यूनिवर्सली रेटिफाइड जो आपका सम्मेलन है, जितने भी पर्यावरण सम्मेलन है उन सभी में से एक ही है, दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि सभी देशों द्वारा माना गया 16 सितंबर 1989 को। अच्छा ये बताओ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रभावी कब से हुआ? प्रभावी कब से हुआ, कौन सी तारीख से प्रभावी हुआ? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रभावी कब से हुआ? आंसर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रभावी कब से हुआ? प्रभावी, सर आप सी बताए थे, आज तक ये क्वेश्चन करवाए भी है जो सी बताए थे, नेहा कनौजिया। तो कब से प्रभावी हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? भूल गए गुरु जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये तो और अच्छी बात है। 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, बहुत बढ़िया सार्थक, ठीक है। 87 में तो हस्ताक्षर हुए थे, हस्ताक्षर सब साइन करके गए। प्रभावी कब से हुआ? 5 जून को। ले, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ही जब 1987 में आया है, तो 5 जून 1972 को कैसे प्रभावी कर देंगे आकांक्षा सिंह, थोड़ा तो लॉजिक लगा लो अपना। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को प्रभावित कर सकता है? हेलोन्स, ज्वालामुखी विस्फोट, सौर विकिरण या फिर ऊपर के सभी? तो कौन सा आपका ओजोन को प्रभावी कर सकता? 5 जून 1989, अरे 1 जनवरी 1989, 5 जून जी, अलग हमारी चाची आंसर कर रही है। तो वेरी गुड, याद रखिएगा, हेलोन्स, हेलोन्स आपके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, ODS है, ये प्रभावी करेगा ही करेगा। ज्वालामुखी विस्फोट से कई सारी गैसें मिलती है जो कि प्राथमिक द्वितीय प्रदूषक बनाती है, वो भी प्रभावी करेगा। सौर विकिरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कर ही रहा है, डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, तो डी इसका सही जवाब है, ठीक है। तो उपरोक्त के सभी, मतलब सारे के सारे प्रभावी कर रहे हैं। राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को, 19 मई को, 5 मार्च को या फिर 1 मई को? 1 जून नहीं बेटा, 1 जनवरी, जनवरी जून को, 1 जून ऐसे लिखा जाता है, जून, JAN लिखा है, JUN नहीं लिखा,
नहीं सर 8 बजे भी क्लास चलती है। नहीं बेटा बीपीएससी की चला करेगी अब मेरी, 3 दिन 3 दिन क्लासेस चला करेगी, मंडे ट्यूसडे वेंसडे। आज तो काजल मैम है नहीं इसलिए आज मैं ले रहा हूँ, 5 अप्रैल को। बहुत बढ़िया शाबाश। चलिए तो राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस, नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे, ठीक है, शुक्रवार को बनाया जाता है, मई के तीसरे शुक्रवार को। तो मई के तीसरे शुक्रवार को बनाया जाता है, तो देख लो इनमें से कौन सा हो सकता है। 1 मई को तो नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो मई 19 ही पड़ सकता है तीसरा शुक्रवार। मतलब मई में कोई भी तीसरा शुक्रवार होगा उस दिन आपका बनाया जाएगा क्या लुप्त प्राय प्रजाति दिवस। सब बीपीएससी प्राइमरी लेवल के लिए भी है। हाँ जी हाँ, मोरफी मन मसाला। हाँ, आपकी क्लास कब चलती है? मेरी क्लास चला करेगी मंडे ट्यूसडे वेंसडे को, 3 दिन 8 बजे बस। भवानी सर की कब होती है? हम ही भवानी सर हैं, तुमको क्या लगा उनका भैया पढ़ा रहा है? नाक बंद है हमारी चलो निम्नलिखित संकेतों से जानवर को पहचाने। एक लुप्त तो प्राय पहाड़ी बकरी की प्रजाति, तमिलनाडु का राज्य पशु, हिम तेंदुआ, नीलगिरी तहार, एशियाई शेर, गोल्डन लेपर्ड। ओनली प्राइमरी लेवल के लिए रहेगा बेटा, सारे लेवल के लिए रहेगा, चाहे प्राइमरी ले लो, चाहे टीजीटी ले लो, चाहे पीजीटी ले लो, इससे ज्यादा एनवायरमेंट नहीं पूछी जाएगी तुमसे। तो सामने क्यों नहीं आके आते आप? नाक बंद है, सुड़ सुड़ा रहे हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज गलत है इसमें, बकरी की प्रजाति नहीं भेड़ की प्रजाति है, ठीक है, इट इज नॉट बकरी, इट इज अ शीप, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं नीलगिरी ताहर, ठीक है, और नीलगिरी ताहर आपकी एंडेमिक स्पीशीज है। एंडेमिक मतलब स्थानीय है, जो कि कहाँ मिलेगी आपकी? तमिलनाडु में मिलेगी, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों, ठीक है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी स्नो लेपर्ड। नहीं बेटा हिम तेंदुआ नहीं है, नीलगिरी ताहर है बक। ये कौन है तेंदुआ वाला? मणिमला मिश्रा, मनीमला। जब हम कह रहे भेड़ है, तुम तेंदुआ कैसे लगा रही हो? तुम पहले ये बताओ भेड़ और तेंदुआ में अंतर नहीं है? हैं? तेंदुआ सबसे बड़ी बिल्ली होती है, बिल्लियों में सबसे बड़ी बिल्ली है सर। सीटेट के लिए नहीं है, नहीं चलो। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर संकटग्रस्त है और भारत का राष्ट्रीय पशु भी है? मेरा कमेंट देख रहे हैं सनी सर की क्लास कब होती है, मेरे को नहीं आइडिया। आकांक्षा सिंह तो बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर संकटग्रस्त है और भारत का राष्ट्रीय पशु है? वेरी गुड, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, ठीक है। तो बाघ आपका भारत का राष्ट्रीय पशु है, इसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा कब मिला? राष्ट्रीय पशु का दर्जा इसे कब दिया गया? कौन सी सन में इसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया? कौन सी सन में बाघ को राष्ट्रीय, टाइगर जिंदा है, बिल्कुल जिंदा है, ठीक है, वो तो हमें याद आ गया इसलिए जिंदा, वरना चटक जाता अभी तक, जैसे चीता चटक गए। कौन सी सन में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया? 1973, वेरी गुड। तो 1 अप्रैल 1973 को जब आपका टाइगर प्रोजेक्ट चालू हुआ था, तभी आपका घोषित किया गया था क्या राष्ट्रीय पशु। सनी सर की कब होती है? हमको नहीं पता बेटा, मेरे ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ बेटा? इसके लिए सनी सर ने एक वीडियो करी है, वो देख लो।
शुभम पांडे, सनी सर ने एक वीडियो करी है, वो देख लो, कल में करी होगी रात के 8 बजे के आसपास, चेक कर लेना, कल रात की 8 बजे के आसपास की वीडियो। निम्नलिखित में से कौन सी लुप्त प्राय प्रजाति काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम लैंड ऑफ बिग फाइव भी बोलते हैं, अगर आपसे कभी भी कोई पूछे लैंड ऑफ बिग फाइव, पांच बड़ी जानवरों की भूमि, कौन सी नेशनल पार्क को बोलते हैं? तो लैंड ऑफ बिग फाइव बोला जाता है किसे? काजीरंगा को। तिहत्तर बेटा, 73, 72 नहीं, 73। तो वेरी गुड, एक सींग वाला गेंडा, वन हॉर्न राइडो, जो कि आपके भारत में मिलते हैं, कहाँ कहाँ? एक तो असम में और एक आपका पश्चिम बंगाल में। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर यहां दिए गए जानवरों से विवरण कहता है? शुतुरमुर्ग की तरह दिखने वाले लंगे नंगे पैर, पीली सिर और गर्दन के विपरीत काली टोपी, ठीक है, ऑस्ट्रिच लाइक अपीरियंस विद लॉन्ग बेयर लेग्स, ब्लैक कैप कॉन्ट्रास्टिंग विद द पेल हेड एट नेक, काला हिरन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सफेद पेट वाला बगुला, चम्मच बिल सेंड पाइपर। शुतुरमुर्ग की तरह दिखता है। चलो, तो शुतुरमुर्ग की तरह दिखता है, मतलब लेंथ में शुतुरमुर्ग की तरह बड़ा है, ठीक है, और ये है आपका भारतीय सारंग बोलते हैं इसे, महान भारतीय सारंग। और भारतीय सारंग के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? इनके लिए फेमस है आपका एक तो डेजर्ट नेशनल पार्क, एक आपका केरला देव बर्ड सेंचुरी, ठीक है, एक सरिस्का। ये सारे नेशनल पार्क आपके रिलेट करते हैं किससे? भारतीय सारंग से, ठीक है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी। नेक्स्ट थिंग इज, सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, पंजाब। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब। तो वेरी गुड, सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक करने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, और गन्ने से मिलने वाली शक्कर को, गन्ने से मिलने वाली शक्कर को हम क्या बोलते हैं? सुक्रोज। सुक्रोज आपका एक द्वि शर्करा है जो कि आपकी ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बनी हुई है। तो याद रखने के लिए, मेरी गर्लफ्रेंड को ग्लू से, जी से ग्लूकोज, एफ से फ्रक्टोज, चीनी बहुत पसंद, ठीक है, तो मेरी गर्लफ्रेंड को चीनी बहुत पसंद है, तो चीनी जो आपकी घर में आती है वो ही होती है क्या? सुक्रोस, ठीक है। गोबी मरुस्थल किस देश में? मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत में, इनमें से किसी में भी नहीं। यूपी में सर्वाधिक चीनी मिल भी है, बहुत बढ़िया, शाबाश। गोबी मरुस्थल किस देश में है? गोबी मरुस्थल किस देश में? वेरी गुड, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी मंगोलिया, ठीक है। अच्छा बताइए, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? ए थार, बी लद्दाख, सी सहारा, डी कोई नहीं। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया में? पगला गई, ऑस्ट्रेलिया में
एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? एशिया का, हमारे एशिया का, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है, इसका सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी, कोई नहीं, क्योंकि गोबी ही एशिया का सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सबास, जो लोग सहारा लगा रहे हैं उनको अफ्रीका भेज देना चाहिए, सहारा में गाना गाइए, सहारा तेरे प्यार का सहारा चाहिए। अरे थार रही हो ओ वाके यार, भरानाज, थार भारत का सबसे बड़ा है, एशिया का नहीं है। चलो, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, मेडागास्कर, बोर्निया, ग्रीनलैंड या न्यू गिनी? है, थार भारत का है। चलो बताओ, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वेरी गुड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। और याद रखिएगा, ग्रीनलैंड, ठीक है, दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल भी है, सबसे ठंडा मरुस्थल भी है, ठीक है। तो बताइए जरा, सबसे ठंडा मरुस्थल है, ठीक है, ए थार, बी लद्दाख, सी स्पीति घाटी या डी कोई नहीं? सर इतना स्पीड से पढ़ाएंगे कंप्लीट तो हो जाएगा, स्विटरिया कंसेप्ट भी तो पता होना चाहिए। मेरा काम है तो सारे पढ़ाते लग चले जाऊं, जब कंसेप्ट ही नहीं पता होगा तो क्या करोगे। चलो वेरी गुड, आंसर इज कोई नहीं। अभी तुम लोगों को बढ़ाया है कि सबसे ठंडा मरुस्थल ग्रीनलैंड है, सामने तुम्हारे लिखा हुआ है, फिर भी नालायक लोग लद्दाख लगा रहे हैं, आंख के अंधो, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल भी है, और मैंने क्वेश्चन किया सबसे ठंडा मरुस्थल है, थार, लद्दाख, स्पीति घाटी कोई नहीं, तो भी लोग अंधे होके और बहरे होके लगा रहे का लद्दाख, भारत लिखा है का आगे? जब भारत लिखा जाए तब लद्दाख लगाना। चलो, विश्व के मरुस्थल रहित महाद्वीप है, मतलब हमारे विश्व में, ठीक है, आप गोभी बताए थे एक बार, तो कान की बहरी सुन ले, एशिया में सबसे ठंडा, एशिया और विश्व में बहुत अंतर होता है, एशिया और विश्व में बहुत अंतर होता है, विश्व में सातों महाद्वीप इकट्ठे करे जाते हैं, विश्व एशिया खुद एक अकेला महाद्वीप है, ठीक है, कान के भैरो आंख के अंधो। तो कौन से कॉन्टिनेंट में डेजर्ट नहीं होते, रेगिस्तान नहीं होते? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया। तो वेरी गुड, किस कॉन्टिनेंट में ये, कौन है? संतोष कुमार प्रजापति, सबसे बड़ा डेजर्ट ही यहाँ है, सहारा लगाने वालों। चलो, यूरोप में आपका कोई डेजर्ट नहीं है, एक काम करना, यूरोप का नक्शा खोल के देखना और उसमें देखना कहाँ कोई डेजर्ट मेंशन है। ये देखो अफ्रीका लगा रहे हैं, कौन हो तुम लोग, इतनी भी ज्योग्राफी नहीं पता तुम्हें कि है ना अफ्रीका में सहारा डेजर्ट है? भाई मैं बायोसाइड का हूं, ये इतना तो मैं भी कर देता अगर नहीं पढ़ता तो। चलो, निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? पामीर, काराकोरम, तियान शान या फिर इनमें से कोई नहीं?
बताओ जब। निम्न में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? वेरी गुड, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, ठीक है, आता हुआ भूल गए, ये तो बहुत अच्छी बात है, पामीर को, या फिर आप इसी को बोलते हो तिब्बत का पठार, द तिब्बतन प्लेट्यू, ठीक है, तो या तो पामीर का पठार या फिर तिब्बत का पठार, ठीक है, तो ए विल बी द राइट आंसर। भारत की छत कहा जाता है, भारत की छत कहा जाता है, ए पामीर को, बी दक्कन को, सी छोटा नागपुर को, या डी लद्दाख को। भारत की छत किसे कहते हैं? एशिया की रीढ़, काराकोरम दर्रा। बहुत बढ़िया, भारत की छत कहा जाता है, पामीर को, डेक्कन को, छोटा नागपुर को, या लद्दाख को, बताओ। वॉइस स्लो है बहुत। बी बी डेक्कन के पठार। चलिए, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, भारत की छत कहा जाएगा लद्दाख को, क्योंकि भारत में सबसे ऊंचा पठार, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख, ठीक है। जो लोग पामीर लगा रहे हैं, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है विश्व की छत, पामीर तिब्बत, कहाँ है ये पामीर? तिब्बत में, तिब्बत में, तिब्बत, तिब्बत चाइना का पार्ट है, चीन चीन चीन, तुम्हार नहीं है। तो भारत की छत को हम लद्दाख कहते हैं, क्योंकि लद्दाख भारत का सबसे ऊंचा पठार है। ना लायक, एनसीईआरटी पढ़ के आएंगे। चलो, विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है? गोबी, प्लंडर, कावेरी, इनमें से कोई नहीं। अच्छा हुआ सनी सर नहीं ले रहे क्लास। छोटा नागपुर नहीं होगा, छोटा नागपुर भारत का सबसे छोटा पठार है, तभी नाम है छोटा, उसे भारत का रूर बोला जाता है, क्योंकि वो खनिजों से प्रचुर है। ये देखो, ये देखो, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी, गोभी। खिला खिला के एक आध को मार दूंगा मैं, गोभी, गोभी लगाने वालों। अभी यहां थोड़ी देर पहले ये पढ़ाया तुम्हें, ये पढ़ाया कि ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल, सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? थार, लद्दाख, स्पीति घाटी, कोई नहीं, ये क्वेश्चन करवाया, ठीक है। और यहां पे ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देखो, विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कौन सा है, उसमें तुम नालायक लगा रहे हो क्या? गोभी, गोभी एशिया का है भैया, एशिया का, विश्व का नहीं है। विश्व में सात महाद्वीप आते हैं, सात महाद्वीप, एशिया बस सबसे बड़ा महाद्वीप है, इतना दिमाग में घुसेड़ लो। क्वेश्चन की प्रकृति को समझा करो क्वेश्चन पढ़ने से पहले। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा? इंडोनेशिया, ठीक है, जापान, अंडमान निकोबार, या फिलीपींस? मैं कह तो रहा हूं, एक बार सीटेट मेरे को बनाने को दे दे ना, तुम लोग उठा के एनसीईआरटी पढ़ने लग जाओ, नाम बदल देना मेरा सीटेट का, एक बार कोई सा भी पेपर, बीपीएससी वाले ही मेरे को एक बार पेपर दे दे बस बनाने को, ना तुम उठा के सब सीटेट पीटेट और ये सब पढ़ने लग जाओ, मेरा नाम बदल देना तुम लोग। वेरी गुड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया में एक द्वीप समूह है जिसको हम मलाय आर आर पहली आर्चिपेलागो बोलते हैं, ठीक है, मलाय द्वीप समूह बोलते हैं, ये आपका 10,000 आइलैंड से मिलके बना हुआ, ठीक है, तो 10,000 आइलैंड से मिलके बना हुआ है, ए विल बी द राइट। देखो ये लगा रहे का
अंडमान निकोबार आइलैंड। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? द ब्लैक सी इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ विच कंट्री? काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? द ब्लैक सी इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ विच कंट्री? ए रूस 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 रूस। चलो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है, ऑप्शंस आर रॉन्ग, ऑप्शन गलत है। हालांकि आप रूस लगा सकते हो बट रूस सही नहीं है। ठीक है, देखिए काला सागर जो है आपका, डेड सी जो है, ये छह अलग अलग देशों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये आपका छह अलग अलग देशों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो नॉर्थ में ये आपका, पूरब में ये आपका यूक्रेन से घिरा हुआ है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में आपका ये, उत्तर पूरब में आपका ये रशिया से घिरा हुआ है। ठीक है, ईस्ट में आपका ये, पूरब में आपका, ओ सॉरी नॉर्थ में, नॉर्थ तो उत्तर होता, पूरब में आपका ये जॉर्जिया से घिरा हुआ है, साउथ में आपका ये, दक्षिण में आपका ये क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम है उसका, टर्की से घिरा हुआ है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, देन आपका वेस्ट में आपका ये, पश्चिम में आपका ये बुल्गेरिया और आपका रोमानिया से घिरा हुआ, तो इन छह कंट्री से घिरा हुआ। काला पानी इसको कहते हैं सर, काला पानी सजा होती है, ब्लैक सी काला सागर है। ठीक है, अंडमान में तिहाड़ जेल होती है, वहां काला पानी की सजा दी जाती है। यूक्रेन तुर्की में नहीं। ठीक है, तो नॉर्थ में ये यूक्रेन से घिरा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट रशिया, ईस्ट में जॉर्जिया से, साउथ में टर्की से, वेस्ट में बुल्गेरिया और रोमेनिया से। ठीक है, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, ऐसे तो ऑप्शन में है नहीं बट आप रूस लगा सकते हो, बट रूस होगा नहीं, रूस से घिरा हुआ होता तो आपका लगाते क्या, नॉर्थ ईस्ट। अटकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? ठीक है, ब्राजील, चिली, पेरू या इनमें से कोई भी। अटकामा डेजर्ट, अटकामा, अटकामा डेजर्ट, अटकामा डेजर्ट कौन से दक्षिण अमेरिका के देश में? अटकामा, अटकामा झटकामा, ठीक है, तो अटकामा डेजर्ट आपका, नन लगाने वालों, हमेशा मेरे ऑप्शन में नन आंसर नहीं होता। ठीक है, तो चिली में लोकेटेड है, चिली में। ठीक है, जो अभी तक इतनी देर से मैं नन डाल रहा था वो ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए डाल, तुम जब तुक्का नहीं लगा पाओ तो सर तो नन ही लगाते हैं। ठीक है, तो नन लगा। अटकामा डेजर्ट, अटकामा मरुस्थल आपका कहां पे है? ठीक है, दैट इज चिली में, चिली। चल नेक्स्ट इंग्लिश डैश, भारत में एक प्रमुख लौह अयस्क बेल्ट है, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। नागिन, बाप रे बाप, और कोई नाम नहीं मिला तुम लोगों को, नागिन, सपेरा, बीन बजाने वाला, तो वेरी गुड। तो डैश भारत की सबसे प्रमुख लौह अयस्क बेल्ट है, उड़ीसा, झारखंड बेल्ट, और सबसे ज्यादा लौह अयस्क आपका कर्नाटक उत्पादित करता है, सर्वाधिक आपका कर्नाटक उत्पादित करता है। ठीक है, तो डी विल बी द राइट आंसर, डी इसका सही जवाब।
निम्नलिखित युग्मों में से वह युग्म ज्ञात कीजिए जो सही सुमेलित है। स्कर्वी थाइमीन की कमी से, ट्यूबरक्लोसिस में एटीएस देते हैं, टिटनेस में बीसीजी देते हैं, मलेरिया में क्लोरोक्वीन देते हैं। ठीक है, तो ज्ञात करें जो सही सुमेलित। बताओ, तो वेरी गुड, डी मलेरिया में आपका क्लोरोक्वीन दवाई दी जाती है, जो कि आपका किससे मिलती है, पेड़ की छाल से। ये जनक नंदनी, टिटनेस में बीसीजी दिया जाता है कि बीसीजी टीवी में लगता है, तुम्हारे हाथ पे एक निशान होगा ऐसा, बाएं कंधे पे वही बीसीजी लगा हुआ है तुम्हें, वो टीका काहे का है, टीवी का है। ठीक है, टिटनेस में डीपीटी देते हैं, बीसीजी नहीं देते। चलो, लाल रक्त कोशिकाओं के बिना पशु, मेंढक, केचुआ, सांप, मोर। लाल रक्त कोशिकाओं के बिना पशु, ऐसा पशु जिसमें लाल रक्त कोशिका नहीं मिलती, कौन सा है? चिंचोना के बाद से। हाँ जी, चिंचोना। तो वेरी गुड, ठीक है। लाल रक्त कोशिका किसमें नहीं मिलेगी? अर्थवर्म, केचुए में नहीं मिलेगी, बाकी लाल खून आपका सब में मिलेगा। लाल इसमें भी है, लाल इसमें भी है, लाल इसमें भी है खून, और लाल इसमें भी है, बट इनमें लाल रक्त कोशिका नहीं है। तो लाल रक्त कोशिका नहीं। चलिए, वेसल्स प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं होती है, ठीक है, कवक की, एंजियोस्पर्म की, ब्रायोफाइटा की, थैलोफाइटा। तो वेसल्स जो होती है, जिनको हम वाहिनिया बोलते हैं, सर अर्थवर्म पशुओं में आते हैं? नहीं, चिड़िया में आते हैं। चिड़िया, चिड़िया कहाँ आती है? हवा में आती। वेसल प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं होती है, किसके अंदर में? कवक में, एंजियोस्पर्म में, ब्रायोफाइटा में, थैलोफाइटा। तो देखो, वेसल्स आपकी ये ऐसी कोशिकाएं थी जो कि आपकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए लाई गई, मतलब दूरी तक जल संवहन के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए लाई गई। ठीक है, दूर तक जल संवहन के लिए, दूर तक जल संवहन के लिए लाई गई। और ये दूर तक जल संवहन आपका किसमें होता है? एंजियोस्पर्म में, आवृतबीजी पौधों में। ठीक है, तो बी विल बी द राइट आंसर। वानस्पतिक रूप से प्रचारित फसल पौधा है, ठीक है, द ग्रुप ऑफ क्रॉप प्लांट डेट आर वेजिटेटिवली प्रोपोगेट, जिनका कायक जनन होता। ठीक है, आलू, पपीता, केला, गन्ना, आलू, केला, मूंगफली, सहजन, काजू, प्याज, धनिया, चूना। तो वेरी गुड, बी विल बी द राइट आंसर। गन्ना, आलू और केला आपका कायिक जनन द्वारा उगाए जाते। और आज की क्लास का आखिरी नहीं होगा, आखिरी है? नहीं, आखिरी नहीं। इससे अधिक सेवन से अस्थि विकृत हो जाती है, फॉस्फोरस के, पोटेशियम के, फैटी एसिड के, या अम्ल, क्लोरीन के। अस्थि विकृत हो जाती है इसके अधिक सेवन से। तो वेरी गुड, अस्थि विकृत हो जाती है किसके अधिक सेवन से? फ्लोरीन के सेवन से। ठीक है, तो डी विल बी द राइट आंसर। दुनिया में सबसे बड़ी लुप्त प्राय बड़ी बिल्ली प्रजाति है, एशियाई शेर, भारतीय बाघ, ब्लैक पैंथर, या फिर तेंदुआ।
तो सबसे बड़ी बिल्ली की प्रजाति कौन सी है? सबसे बड़ी बिल्ली की प्रजाति कौन सी है? सबसे बड़ी बिल्ली की प्रजाति कौन सी है? वेरी गुड, तेंदुए आपकी दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली की प्रजाति। नोकरेक एक राष्ट्रीय उद्यान जिसको एनएनएस के नाम से जानते हैं किस राज्य में? अरुणाचल, मेघालय, जम्मू या सिक्किम? नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, नोकरेक, नोकरेक, तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान का है। वेरी गुड, मेघालय में स्थित है आपका नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला क्वेश्चन। जीवाणु को नाइट्रोजन निर्धारण के लिए जिम्मेदार एजाइटोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम या फिर सभी? ऐसे जीवाणु जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए बता जिम्मेदार है। अरुणाचल प्रदेश, बेटा अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है, नामदफा, और नामदफा उत्तर पूर्व भारत का, उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए वेरी गुड, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ये सारे जीवाणु आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते। जल प्र सॉरी वायु प्रदूषण अधिनियम कौन सी सन में आया था? 72, 83, 86, इनमें से किसी में भी नहीं आया। वायु प्रदूषण अधिनियम कौन सी सन में? वायु प्रदूषण अधिनियम आया था कब? वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी नन, 1981 में आपका वायु प्रदूषण अधिनियम आया। कौन सा पिरामिड सीधा खींचा जाता है? ऊर्जा, बायोमास, संख्या या फिर समय? तो कौन सा पिरामिड सीधा खींचा जाता है? कौन सा पिरामिड सीधा खींचा जाता है? ऊर्जा, बायोमास, संख्या या समय? चलिए वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, ठीक है याद रखिएगा, सीधे सभी खींचे जाते हैं, हमेशा सीधा जब पूछे, हमेशा सीधा, हमेशा सीधा आपका ऊर्जा खींचता है, बाकी सारे नहीं खींचते, तो सीधे तो सारे खींच सकते हैं, ठीक है, हमेशा सीधा केवल आपका खींचेगा कौन सा? बायोमास का, जैव भार का। पेरनीशियस अनीमिया, निर्बल रक्तलापता को ठीक किया जा सकता है विटामिन B1 देकर, विटामिन B6 देकर, विटामिन B9 देकर, विटामिन B12 देकर। ओनली नहीं, ऑलवेज। नो ही समझ में आया सर? बेटा संख्या का भी सीधा बनता है, जैव भार का भी सीधा बनता है, ऊर्जा का भी सीधा बनता है, तो क्वेश्चन था कौन सा सीधा बनता है, ठीक है, बट एक होता है हमेशा सीधा, हमेशा सीधा एक ही बन सकता है, दैट इज ऊर्जा का हमेशा सीधा बन सकता है, सीधे तो तुम ऊर्जा का भी बना लो, ठीक है, जैव भार का भी बना लो, ठीक है, और आपका संख्या का भी बना लो, हमेशा सीधा आपका ऊर्जा का ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसका सीधा भी बनता है उल्टा भी बनता है, इसका सीधा भी बनता है उल्टा भी बनता है, ठीक है, बट ऊर्जा वाला हमेशा सीधा बनता है, ये बोलना, तो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी विटामिन B12। चलिए तो ये थी आपकी आज की क्लास, ठीक है, कल आपकी CTET से 3 घंटे की क्लास है, ठीक है, और जो लोग आपका बैच में जुड़ना चाहते हैं वो आज आखिरी ऑफर है, डबल वैलिडिटी और फ्लैट 77% डिस्काउंट मिलना है,
ठीक है, बीपीएससी वगैरह के बैच में, या फिर ये हमारा इसके जुड़ सकते हैं, Y794 कोड यूज कर सकते हैं, आपको मिलेगा क्या 77% का डिस्काउंट। क्लियर है? बाकी कल सुबह 10 बजे आपकी मैराथन है, किसकी रिगार्डिंग वो, और जो पूछ रहा था कि सर बैच कैसे ले, तो भाई दिखा देता हूं बैच कैसे ले। ठीक है, गूगल पे जाओ, या फिर यहीं पर टास्क बार में Adda247 सर्च कर लो, Adda247 आएगा। ठीक है, यहाँ पे Adda247 पे क्लिक करना, ठीक है, या तो ऊपर में ऑल कोर्सेस लिखा है यहाँ पे चला जाना, ठीक है, या टीचिंग पे आ जाना। ठीक है, तो ये टीचिंग के सारे कोर्स है, महापैक, प्राइमरी टीचर वगैरह, या फिर आप क्या करना, अगर आपको देखना हो कैसे है, तो यहाँ नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना, यहाँ टीचिंग पे क्लिक करना, तो ये टीचिंग महापैक, बीपीएससी, हायर सेकेंडरी, DSSB, प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी टीचर, EMRS, जो भी आपको क्लिक करना हो उस पर क्लिक करना। ये ऊपर में आपके बैच है, नीचे में रिलेटेड किताबें और टेस्ट सीरीज है, जो भी आपको चाहिए उस पर क्लिक करना। ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक करना, ठीक है, या कूपन कोड Y794, Y कैपिटल में रहेगा, अप्लाई कर देना। ठीक है, तो अभी 1494 का दिखा रहा था, जैसे ये वाला अप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा कितने का, 137 समथिंग में, कंटिन्यू कर देना, ज्वाइन हो जाए। थैंकू सर सो मच। ठीक है बेटा, थैंकू, कल आ जाइए सुबह क्लास में, ठीक है? नागिन, नागिन गिन 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 गई, जाने काक का नाम रखते हो पागल लोगों। ठीक, तो मिलते हैं कल सुबह 10 बजे।